घर चुका है बला कैसन पीस रहा रे अब चेहरा देखने के पता चल दुख होता कि ना तोरा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के मेरे फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और अभी हम जा रहे हैं पटना, काहे कि रैली है एगो भाजपा का हमारे डब्लू भैया का, उसमें हमारे सारे भाई शामिल होंगे और हम लोग जा रहे हैं पटना। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे रैली में, पहले अपने भाइयों के पास चलते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे पटना और मिलते हैं आपसे आगे के एपिसोड में। अभी देखिए गाइस पहुंच चुके हैं अपने एक भैया को रिसीव करने, जो कि अभी घर में हैं, आ रहे हैं। तब यहां से और कुछ हमारे भाई हैं उनको रिसीव करना है और रिसीव करके चलेंगे जलालपुर, पहले वहीं से काफिला निकलेगा उनका और उसी काफिले में शामिल होना है। चलिए आज पूरा पटना को भाजपामय करते हैं, मिल के साथ में देखिएगा काफिला कितना मजा आएगा, बहुत आनंद मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आ रहे हैं तो जलालपुर काफिला में। लली में अभी देखिए विपुल जी पूरा दाब रहे हैं का, और ये देखिए ये हमारे भैया हैं, ये दाब रहे हैं। कोई को पूरी दाबे हैं अभी तो सतरे को सब लोग फ्लॉप करा दे वोटर होगा डब्ल्यू सी वोटर। हाँ वोटर है ना पूरा वोटर के कहता वोटर लिस्ट के कहता वोटर लिस्ट ए बला दियाई रह कि ना अगला बड़ा वोट डब्ल्यू सिंह के दियाई है समझ नहीं। राणा प्रताप सिंह के मिलन समारोह समारोह का हम लोग का पोस्टर है दे, सट रहे थे दिखाओ तो पोस्टर। हाँ है दे दिखाओ साटो तो नहीं है दे, जय श्री राम के लगे ना साइड में साटना, जय श्री राम हमने के लोगों के चाहिए समझा। और ये काफिला रैली है, काफ़ी तगड़ा भीड़ यहाँ से वहाँ तक जुट गया है और इसमें हम लोग है तनी मनी बैठ चुके हैं। हमारे यहीं मनु भैया जा रहे हैं, देखिए फोन पे लगे हुए हैं। ये हमारे बालाजी हैं जो कि डब्लू जी भैया का मिलन समारोह लिए हैं। अब पीछे से देखो और एगो स्कॉर्पियो आ गया, अहो देख खाना बटाने का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। चलिए मिलते हैं आगे, लेट्स गाइस। हम देखिए अब निकल चुके हैं यहाँ से रैली में जा रहे हैं हम, वही मनु भैया यहाँ सब कोई है यहाँ पे, तनी हेलो गाइस बोल दलो। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे पटना के लिए, या पटना पूरा भाजपा में होने वाला है यहाँ पे। हमारे मनु भैया कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो बताइए क्या बोलेंगे। डब्ल्यू भैया का रैली है, जा रहे हैं मिलन समारोह है, भाजपा में शामिल हो रहे हैं फिर से, देखिए भाजपा क्या करती है अब की बार। और डब्ल्यू भैया तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, इतना खर्चा हुआ है कि क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए का। सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग डब्ल्यू भैया को, डब्ल्यू भैया हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट होगा चाहे कुछ हो। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे पटना रैली में। अभी हम लोग हैं मुजफ्फरपुर, बिहार की वर्तमान सरकार जो है वो बिहारियों को पीछे छोड़ने का काम कर रही है, तो हम लोग भी आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। भाजपा को तय किए हैं हम लोग, जय भाजपा जय भाजपा। तो चलिए अब यहाँ से हम हैं अभी मुजफ्फरपुर वाले हाईवे पे और यहाँ से निकलेंगे सीधे परसा होते हुए पटना, और पटना भाजपा कार्यकालय पर हमारे साथ है बालाजी हैं जो कि कोना में होते बैठ के वो पियर गमछी पहने हुए हैं। कुछ बोलिएगा बालाजी। नहीं हम नहीं बोलेंगे, पटना उतरेंगे, पटना उतरेंगे तो बोलेंगे। तो चलिए ठीक है चलते हैं लट। पहुंच चुके हैं दरियापुर रेलवे चक्का फैक्ट्री के पास और अभी हम यहाँ भूख लगा है तो हम लोग तीनों जने थे खाने के लिए उतरे हैं रेल पहिया कारखाना, और चाबी अभी निकाल लिया जाए और साथ में चलते हैं दे अभी रैली के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, लेट्स गो। हम लोग खाने आए थे और बाला का मुंह देखिए, बाला के मुंह का रिएक्शन देखिए, यहाँ पनीर देख के बाला का मुँह एकदम साफ सूख चुका है, एकदम उदासीन है, मुंह में पानी आ रहा है इसके का बला। मोबाइल में है बुला।
पनीर का कोई सा लगा था आया है यार बला बला दुख होता कि ना थोड़ा ना रे यार अब लोग क्या बने ना दांत के बचाए गाइस अभी हम लोग होटल से खा के निकल चुके हैं और हमारे बाला बलमुंगा का पेट जो है कि काफी भर चुका है बाला कैसन पीस रहा रे अब चेहरा देखने के पता चल चेहरा पर खानी आ गई है चेहरा पर रोखानी आ गई है कुछ भी को खोले के बाद जो आदमी के चेहरा खिले लन आज वो महीना दिन कमईले के बाद पेमेंट आइले तो दिनी बराबर है होला का बाला रोहित कैसन फील होता खैला के बाद अभी चलो कह डब्लू सिंह मजा खेहन तो और मजा आ जाए मजाक नाम लिए खाही खातिर जाता नहीं सर और गाय खातिर जाता नहीं सर अब घूमे खातिर खाए खातिर अभी मरीन ड्राइव पर चल के पहले घूमल जो बात है देखा पूरा कर पूरी देखा पूरिया तनी मोट ज्यादा हो गया लोग माना चाहे मत माना मुर्गवा मीठ लागत मुर्गवा हल्का सा ग्रेवी है झुना हे झुना हे झुना पनीरवा कैसा लागत हमें बताओ तो रिव्यू दे हमें का माने टेस्ट कैसा रहा खैला ना तू एक पीस से यही का इल्जाम लगा दिए थे खैला ना एक पीस ठीक है तो मिलते हैं अभी पटना बाईपास पे लेट्स गो और यहाँ ट्रैफिक काफी लगा हुआ है अब हम पहुंचने वाले हैं समारोह में पीछे हमारे एक बोलेरो है जो हम लोगों के पीछे पीछे आ रही थी और उनको हम बुड़बक बना दिए आगा देख छेला निकल लिया तो बोला का कर रहा है तुम ठीक तो देखिए गाइस पहुंच चुके हैं हम कहां पे पटना पुल पे और ये देखिए यहाँ तनिको भीड़ नहीं है जो इतना हम सोच रहे थे कि भीड़ होगा चाहे कुछ होगा एक पुल का आपको बैक कैमरा करके नजारा दिखाते हैं कितना बढ़िया देखिए अभी हम आ चुके हैं अपने सबसे पसंदीदा जगह यानी सबसे पसंदीदा लोकेशन पे पटना में एगो है मेरा सबसे पसंदीदा लोकेशन माने मजाक वाला बात ना सीरियस वाला बात नया पे बनल बैक कैमरा करके दिखाओ तने मतलब नु यू एथी रील्स वाला सन के 80% वीडियो यहां के वायरल होला हमरो एगो वायरल हो गेल झूठ का बोली हां यहां के 80% वीडियो वायरल होला वो दिखाओ तने बैक कैमरा करके देख लो और हम निकल रहे हैं ये देखिए डब्लू भैया का रैली है आगे स्कॉर्पियो का लाइन चल रहा है पूरा एकदम ये रहा हम लोग का मरीन ड्राइव आगे पुलिस है हम लोग के मरीन ड्राइव पे हैं अब यहाँ से निकलेंगे सीधे आर ब्लॉक और हमारे अभिमनु भैया इधर हैं वीडियो बना रहे हैं अभिमनु भैया कैसा फील हो रहा है आपको पहुंच चुके हैं अटल पथ पे इस अटल पथ के नाम से हम लोग कुछ और नाम याद पड़ता है वो नाम बताएंगे क्या जहाज तो जेबे करी अटल पथ से कुछ याद पड़ता हुआ बताई क्या बताई नाम हमने के एगो एनजीओ बा अटल हेल्पिंग फाउंडेशन वे हमरा याद पड़ला जब पथ पावे नहीं तो वैसे रोड काफी बेहतरीन बा भगवान करियन त हिमनु भैया के रोड अपना सॉरी रोड वाकई में बेहतरीन बा नितिन गडकरी जी बढ़िया काम कइले बानी या वीडियो बनाए में हम कहीं गाड़ी मत ठोक दी से बढ़िया पीछे देखा रहल बने देखा देखा त अंदर की मत हुआ रोहित ऐसे तक ऐसे कैमरा में आज तक देखल ही नहीं खे ठीक है मिलते हैं आप देखा दे
चुके हैं पटना कार्यकाल में, हमारे साथ हमारे मित्र पहुंच चुके हैं 200 गाड़ियों का काफिला लेके। कुछ बोलना चाहेंगे हम मीडिया में तो ना बोला, 200 गाड़ी लेकर आए हैं हम लोग, 200 400 एक गाड़ी में कई लोग डाला। जब बेगनार में 6 आदमी आ सकता है, स्कॉर्पियो में कितना आदमी आ सकता है? मिनिमम 10 आदमी, 200 गाड़ी मतलब 10-2000 आदमी मैक्सिमम का है ना ताक ने। तो देखिए अभी हम है पटना कार्यकाल है, अटल बिहारी, क्या नाम है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, वाजपेयी सभागार। और ये मुर्गा रोटी बिल्कुल खिला दिए हैं, एकदम ठीक है, सोमवार है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, अंदर तो घूम लिए हैं, अब चलते हैं सीधे यहाँ से अभी गाड़ी के पास, क्या गाड़ी है कि नहीं देखते हैं। गाइस अब हम निकल चुके हैं पटना से, बीजेपी कार्यकालय से हम निकल चुके हैं, हमारे भैया हैं साथ में कार्यालय से, वहीं। और ये देखिए छोड़ दिए हैं अब यहाँ से, वो जो दो लड़के थे झूना और रोहित, रोहित ना था बला गुलबहार, उनको हम लोगों ने यहाँ पे आर ब्लॉक के पास ड्रॉप कर दिया है। और अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, रास्ता में कुछ भोजन वोजन हो गया, चेक भाई कराएंगे। देखिए चलिए रास्ता में जब बोले हैं तो कुछ ना कुछ भोजन करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर डब्लू भैया का जो था मिलन समारोह था, शायद सम्राट चौधरी ने उनका मिलन समारोह किया अभिमन्यु भैया के श्रेय से। हाँ वही सदस्यता ग्रहण हुआ, और ग्रहण होके पिछले बार चुनाव में ऐसा क्या हुआ था ना कि जिस सीट से बबलू भैया चुनाव लड़ते हैं वो सीट गठबंधन के खाते में चली गई थी, और वहाँ से जेडीयू का कैंडिडेट लड़ा था। तो राणा भैया गुस्सा हो गए, माने नहीं, वो बोले कि ना हम तो लड़बे करेंगे, छोड़ेंगे का, लड़बे करें हम कहे छोड़े, वो सदस्यता छोड़ दिए थे। लेकिन ये बात तक देख लगा कि ना कौन फिल्म यह रहा बला जमे पहाड़ तूर के प्यार के निशानी बना, मांझी द माउंटेन में, मांझी द माउंटेन में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मांझी विधानसभा में अब की डब्लू भैया ये कह रहे हैं कि मांझी में आपकी बार खेला होबे खाली कलकत्ता में खेला ना होबे, मांझियों में खेला होबे। और बीजेपी भी इधर तैयारी कर रही है कि बिहार में आपकी बार हम लोग भी खेला कर दे। अरे नीतीश कुमार बिहार प्रदेश होकर उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, मायावती को मिला रहे हैं, अखिलेश यादव को मिला रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनना है। और यहाँ पे सम्राट चौधरी कुछ अलग ही खेला करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। राजद के एक वरिष्ठ विधायक भी आज आकर इस मिलन समारोह में शामिल हुए बीजेपी में, अरे इसके एक विधायक थी, अरे सब चीज ठीक है, एक बात बताओ सब चीज ठीक बा, हमने के बिहार सुधार जाओ बस, हमने के हुए चाहे हमने के कोई आओ बिहार सुधार के जाओ बस, जौन जगह एक यूपी में गुंडा राज रहा बाबा राज चलता, वहूँ में बिहार में जौन है गुंडा राज भाई हट के, अब बेरोजगारी राज भाई हट के, कौन अच्छा चाहे शिक्षित राज्य चाहे मानी डेवलप राज्य बनी तो हमने के गौरवशील होकर सबका भैया। बिहार के ऊपर जो बीमारू राज के धब्बा बानी सब साफ हो जाए, जौन सबसे बड़का हमने के मजदूर उत्पादक बानी सन, तो हमने के मजदूर उत्पादक ना हो के कोनो सामान के भी उत्पादक पड़ी सन बोनी सन बनी सन, मेन मुद्दा ही पड़े हो जाए। देखी सबसे बड़ा बात बाकी बिहार के जब शिक्षा व्यवस्था ठीक रही तबे न कुछ हो भैया, और जब शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं था किए गाँव, लेकिन देखो तो सुधार आवता बहुत धीरे धीरे आवत थे, लेकिन इतना सुधार काफी नहीं थे जमना से कि पूरा काया पलट कर जा सके, सुधार के गुंजाइश अभी बा बहुत बा, सुधार ना हो जाई कहाँ, मानिए ना एक बतिया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं, हम पहुँच चुके हैं अटल पथ पे और मरीन ड्राइव के पास पहुँचने वाले हैं, इसके बाद चलते हैं सीधे घर। मैं अभी व्यू पॉइंट पे यहाँ पे, और हमारे विपुल जी यहाँ पे हैं और बालाजी यहाँ पे हैं, अभिमनु भी हैं यहाँ पे। देखिए हम व्यू पॉइंट पे मरीन ड्राइव पे रुके हुए हैं, और ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है, ये सरयू नदी नहीं है भैया, गंगा नदी है ये, हमें सरयू जानकारी तनी मनी मने नहीं है हल्का सा, इसलिए बता दे रहे हैं। आइए देखिए बला पीला गमछी, जय भूमिहार जय भूमिहार जय परशुराम जय भूमिहार। और ये देखिए हमारे विपुल जी हैं, जय परशुराम जय भूमिहार, बोल जय परशुराम जय भूमिहार जय भूमिहार, सिस्टम फाड़ दे, जितना बोली गंगा जी में फेंक दे, दहा दिए यही में। तो चलिए चलते हैं हम सीधे घर। देखिए गाइस हम अभी चल रहे हैं यहाँ से, मरीन ड्राइव से निकल चुके हैं घर के लिए, और हमारे साथ तीनों आदमी हैं यहाँ, डब्लू भैया का रैली में से निकल गए हैं यहाँ, तनी मरीन ड्राइव पे वीडियो शूट किए हैं हम लोग रील बनाने के लिए।
रील डाला जाएगा, कहीं वायरल हो जाए तो वायरल पॉइंट पर खड़े थे वैसे, चेहरा काला रहा है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अब घर, मिलते हैं आपसे आगे। ओके।